का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन में बेतहाशा कट ऑफ की गिरावट के बाद एकदम साफ तौर पे पता चल रहा है कि कॉलेज के बच्चे सीधे कैंपस के लिए मूव कर रहे हैं। स्थिति ये है कि इस समय जो कट ऑफ की स्थिति है, बीए कोर्स में जो कट ऑफ गिरी है, अभी भी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। 4615 सीटों में बीए कोर्स में तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो करेक्ट डॉक्यूमेंट का अपलोड है, जो वेरीफाइड अपलोडिंग है, वो अपलोडिंग है इस समय लगभग 3800 नंबर की, 3800। इतनी सीटें भरेंगी इस राउंड की कट ऑफ की काउंसलिंग के बाद। लेकिन अभी तक लगभग 3300 एडमिशन बीए में फाइनल हो चुकी, जिन्होंने अपनी फ़ीस को सबमिट किया है। ये संख्या कल और बढ़ेगी, यानी कि 3800 एडमिशन कंप्लीट माने जाएंगे इस राउंड में। और डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है लगभग 4000 विद्यार्थियों ने, तो 3800 की संख्या पड़ेगी। इसका मतलब एक कट ऑफ बीए के भी और आएगी। परेशान नहीं होना है, दो भी कट ऑफ आ सकती है, टू भी कट ऑफ आ सकती है। इसके बाद बीएलएलबी ऑनर्स में 150 सीटों के सापेक्ष इस समय टोटल जो करेक्ट डॉक्यूमेंट का अपलोडिंग है वो 86 है, यानी कि 86 विद्यार्थियों ने अभी सीट पे लॉक किया है, यानी कि बीएलएलबी की भी कट ऑफ अभी और गिरेगी। और बीएलएलबी में मैक्सिमम बच्चे आईएसडीसी सीएमपी में मूव कर चुके हैं, तो कट ऑफ नीचे जब गिरेगी तो बच्चों के लिए फ़ायदा होगा जो कम नंबर वाले हैं, क्योंकि वो अभी वेट कर रहे हैं। तो वेट करते रहिए, बाकी ले लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सेफ करवा लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है। बीकॉम में 723 सीटों पे कुल मिलाकर के 714 सीटों पर एडमिशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है एकाध कट ऑफ आ सकती, एकाध कट ऑफ किसी कैटेगरी की। बीएफए में 78 सीटों पे कुल मिलाकर के 72 सीटों का मामला फिनिश हो चुका है। अभी दो बच्चे फीस पेमेंट नहीं किए हैं, कुल मिलाकर के ये भी अपने अंतिम स्थिति पे चल रही है। बीपीए में 78 सीटों में कुल मिलाकर के 38 सीटों पे एडमिशन हो चुका है। बीएससी 12 में 367 सीटों पे कुल मिलाकर के 346 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, अभी पेमेंट बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी एकाध कट ऑफ आ सकती है। बीएससी मैथ में 732 सीटों पे कुल मिलाकर के 720 बच्चों ने एडमिशन लिया है, यानी कि अभी जो अलॉटमेंट है वो अभी बच्चे फीस लगभग 700 सीटें इसमें फिलअप मानी जाएंगी, क्योंकि बहुत लोगों का फंस रहा है पेमेंट। 5 ईयर इन्वायरमेंटल स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट में 40 सीट है, जिसमें से एको का एडमिशन नहीं हुआ है। 5 ईयर फैमिली कम्युनिटी साइंस में 40 सीटों में कुल मिलाकर के एक ही विद्यार्थियों ने फीस, 7 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए कोर्स में 40 सीटों में अभी तक 20 सीटों पर एडमिशन कम्प्लीट हो गया है, 30 विद्यार्थियों ने फीस को पेमेंट किया है, यानी कि 30 संख्या पूरी हो जाएगी। इसके बाद तो सब सारे कोर्सेज का तो मैंने बता ही दिया है, लगातार कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज नहीं है, सब प्रोफेशनल कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए सीट सूचना है, बाकी उसकी कट ऑफ आ रही है। तो ये स्थिति है, और स्थिति का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि अभी बीए की भी एक कट ऑफ आएगी, दो कट ऑफ, बीकॉम की एकाध कैटेगरी की कट ऑफ निकालेंगे जहाँ पर सीट खाली होगी। बीएससी बायो का मामला भी लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है, बीएससी मैथ का भी मामला लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है। तो अंतिम चरण चल रहे हैं, अंतिम सांसें चल रही हैं मेन कैंपस की काउंसलिंग की। आप लोग जुड़े रहिए और एनालिसिस देखते रहिए। थैंक यू।